तो ये गाड़ी यहाँ पे कुछ ठुकी है और कुछ ऐसे करके पलट गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं वीबीओ लाइफ। हम लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा सुपर बाइक हमने चलाई, तो उससे हो चुके हम फ्री। तो सीट बेल्ट लगाते हुए अब मैं आपको बता देता हूँ हमारा प्लान बना है। इसको क्या चाहिए भाई? जिम के इक्विपमेंट्स। हाँ, जिम के इक्विपमेंट्स ही है। तो भाई साहब ने पिछली बार हमारे को क्या कहते हैं वो क्या लेके दिया आपने? रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंस बैंड जो कि हम बहुत कम यूज कर रहे हैं, ना के बराबर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फाइनल हो गया है कि हम जा रहे हैं लेने। कहाँ पे? अब आप समझ ही होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? हम जा रहे हैं इस टाइम पे करोल बाग की तरफ, तो चलते हैं। हमारे साथ है यहाँ पे गुरु सेवक जी जो कि हमारे आजकल सारथी बने हुए हैं। क्यों सारथी जी, ठीक हो? और भाई तू क्या कर रहा है? सर्च कर रहा हूँ कौन सी शॉप पे जाना सही है। ओके, तो सर्च कर रहा है। आरएनडी पीछे चल रही है, हम मजे ले रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है भाई। वो ये क्या हुआ पड़ा है? हो तो ये गाड़ी यहाँ पे कुछ ठुकी है और कुछ ऐसे करके पलट गई है, बट मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा ये पलटी कैसे है क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक पोजीशन है इसकी। और हालत अंदर के बंदे बच चुके हैं, जो भी अंदर थे वो बचे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और भाई सच्ची में मतलब ये कैसे पलटी मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। हालत देखो आप इसकी, रोड के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच ऐसे पलटी हुई है। हरियाणा नंबर है, बस मैं प्रे करता हूँ किसी को कुछ लगी ना हुई हो। ये वाला टायर इसके कुछ वहाँ पे टकराया है जिसकी वजह से गाड़ी पूरी पलटी है। ये देखो हालत देख रहे हो कितनी गंदे तरीके से ठुकी है, बट बाकी ये अच्छा है कि अंदर किसी को लगी नहीं है। तो हम जा रहे थे यहाँ से, तो हमारे को दिखा तो मैंने कहा क्यों ना दिखाया जाए आपको, बहुत ही गंदी हालत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपने ये देखा एक्सीडेंट हुआ पड़ा था रोड के ऊपर, मुझे नहीं समझ आया कहाँ पे गाड़ी ठुकी और कैसे पलट गई, बट ये बहुत अच्छी बात है किसी को चोट नहीं लगी, सारे सेफ हैं। क्योंकि यार जो डैमेज होता है ना प्रॉपर्टी का, वो हम मैनेज कर सकते हैं। हमारी अगर कोई एसेट्स को डैमेज होगा ना, हम वो झेल लेंगे, बट अगर हमारी बॉडी को कोई डैमेज हो गया तो वो नहीं हमारे को पता लगता कितना नुकसान दे हो। राइट राइट। और बस प्रे करो भगवान सबको ठीक रखे। इस टाइम पे वैसे ही सिचुएशन खराब चल रही है, और किसी का भी छोटा सा भी नुकसान हो जाएगा ना, तो यार हमारे को नहीं पता उनकी क्या सिचुएशन होती है और कैसे होती है। तो सबके लिए एक अच्छा मांगो, तभी जो अरदास होती है गुरुद्वारों में उसमें कहते हैं सरबत का भला। राइट, इसका मतलब पूरे संसार का भला, सबका भला। बिल्कुल सही बात है। तो आपसे भी होता है कि जब भी प्रे करो तो उस टाइम पे यही बोलो कि भगवान जी आपका तो सब अच्छा करें ही करें, बाकी सबका भी अच्छा करें, बिकॉज अगर वो आपकी दोनों में से कोई भी एक अरदास सुन लेंगे तो बेनिफिट तो आपका ही है, अच्छा तो आपका हो ही होगा। सही बात है, फायदा आपका ही है। हम पहुंच चुके हैं करोल बाग और 39 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम पे, और भाई बाहर ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। अब बाहर निकले हैं तो देखते हैं यहाँ पे कुछ पसंद आता है या नहीं आता, क्या प्राइस है, ज़्यादा है या कम है। और यहाँ पे देख लो भाई, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सारे एक ही साथ अंदर घुस गए हैं। हम लोग बाहर खड़े हैं बिकॉज हमारे को सेफ्टी चाहिए भैया, एकदम से 5 बंदे अंदर लेने के लिए खड़े हुए हैं, ये तो गलत है ना भाई। हम नहीं गए उस शॉप के ऊपर, हमने चेंज कर दिया भैया, क्योंकि वहाँ पर अगर सोशल अवेयरनेस नहीं है तुम्हारे में थोड़ी सी, तो उस जगह पे जाने का फायदा ही नहीं। सेफ्टी फर्स्ट है भाई। ये 350 का पेयर ही है ना? हाँ, ये 350 का पेयर। तो ये और ये कितने की पड़ी तेरे को? ये 850 बोल रहे हैं ना? 850 का, 850 का। कुछ ज़्यादा ही डोले बनाएगा भाई, देख रहे हो है अभी कुछ भी नहीं बिल्कुल। आपको तो ये वाला वेट जो है ये आ रहा है 120 रुपए किलो, इसको इन्होंने पाउडर कोटिंग कराई हुई है। कितने किलो की है? 3 किलो की 700 रुपए की, काफ़ी हेल्पफुल है। पता नहीं क्या क्या ले रही है, क्यों भाई इतना क्यों? घर पे जिम बनाना है, शौक है। अच्छा बेटा शौक ही लगेगा तुम्हें। और ये सस्ते वाले वेट भी हैं, ये 60 रुपए किलो हैं, इसके अंदर पता नहीं मिट्टी भरी होती है और रबड़ होता है, तो इस करके और रिस्क रहता है ये गिरते हैं तो टूट जाते हैं। तो ये 60 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो की प्लेट है, तो हिसाब लगा लो। सो ये वेइंग मशीन है 750 रुपये की यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ लेने की, बट ये वाली नहीं, कुछ दूसरे डिज़ाइन की लेंगे हम। तो यहाँ पे भाई साहब कहते हैं ना दोस्तों के चक्करों में हम फंस जाते हैं, चाहिए किसी और को, फंसे हम हुए हैं। इसको तो जो चाहिए था वो इसने ले लिया, अब ये देख रहे हैं और किसी को फोटो भेज रहे हैं। सो
शॉपिंग शॉपिंग सारी हो चुकी है हमारी, ठीक है। दुकान का एक बार बताए तो ये एड्रेस है, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। अब सामान ले लिया, गाड़ी लेके आ रहे हैं, सारा सामान रखवाते हैं गाड़ी में, चलते हैं। तो ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से स्टिकर लग जाते हैं, नहीं नहीं ये केमिकल से चिपकाते हैं। तो देख रहे हो पूरे टायर की लुक चेंज हो गई है, और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लुक आ रही है, आएगा मज़ा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी कुछ और वीडियोस देखना अलॉय के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ एक प्रॉपर वीडियो बनाने की, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये चीज़ अच्छा लगा, टायर की लुक ही चेंज कर दी पूरी भाई। तो शॉपिंग तो हमने कर ली है यहाँ से, बट एक चीज़ मेरे को बड़ी खटक रही है, और इसको भी खटक रही है। क्या खटक रही है? यही है कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल थी, और जो अभी मैं जिस प्राइस पे लाया हूँ वो रिटेल प्राइस ही है, नॉट होलसेल प्राइस। तो अब मेरे माइंड में यही रहेगा कि ऑनलाइन ही बाय करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप उसमें रिटर्न भी कर सकते हैं, और वेट करना ही ज़्यादा बेटर है रादर देन गोइंग आउटसाइड एंड मेकिंग योर लाइफ एट स्टेक। यहाँ पे आप आओगे, एक तो इतने लाइक हॉच पॉच है क्योंकि लिमिटेड शॉप्स खुली हुई हैं, बट जो क्लाइंट है वो भैया धड़ल्ले से अंदर घुस रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं कर रहे, कहीं कहीं जगह पे सैनिटाइजर भी नहीं दे रहे, बट आप अंदर दुकान के घुस जाओ तो इस करके रिस्क है, मत ही आओ, बेटर है ऑनलाइन से ले लो। थोड़े दिन का टाइम लगेगा, बट यू कैन हैव इट एट योर होम एट योर डोर स्टेप, और वापस करनी हो तो वापस भी कर दो। यहाँ पे तो भैया ले ली पहुँच पहुँच में, तो भैया वो ले ली, और उसके बाद वापस करने हो तो नहीं भैया अभी वापस नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है भैया, काम वाम बंदों के वैसे ही ठप हैं जो थोड़े बहुत चल रहे हैं, तो उसमें वो एक्सचेंज बहुत रेयर करते हैं। और जैसे आपने देखा था, मैं कुणाल के लिए बेल्ट और दो तीन चीज़ें और ले रहा था, तो जब उसने मेरे को कुछ ज़्यादा ही बोला, तो मैंने कहा भाई तू रहने दे, तू खुद ही आके ले लियो, बिकॉज चीज़ मैं ले लूँ और तुझे पसंद ना आए तू मेरे पास भी आएगा, उसका घर है रोहिणी में, मैं रहता हूँ द्वारका में, तो वो इतना ट्रैवल करेगा ही, तो इट्स बेटर कि वो रोहिणी से करोलबाग आए, लेना हो तो ले, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा ले। मैंने उसे मना कर दिया कि भैया सॉरी तू खुद ही आके ले लियो, तेरी चॉइस की चीज़ तेरे को मिल जाएगी, बिकॉज जब तक आप टच नहीं करेंगे, इन चीज़ों को फील नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। ऑनलाइन लेंगे एटलीस्ट घर पे आएगी, आप वापस करा सकते हैं। तूने भी करवाई थी पीछे ना? हाँ जी। क्या? मैंने पुल अप बार कराया था। हाँ। सो इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं टोडापुर वाली रोड पे। मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगा हुआ है कैमरा, तो कभी भी यहाँ पे 50 से ऊपर स्पीड मत रखें, बिकॉज क्या होता है रोड काफ़ी खाली है तो बंदा फ्लो में निकल जाता है, और ये लगा पड़ा है कैमरा, इस चीज़ को ध्यान रखें। बहुत सी जगह पे कैमरे लगे हुए हैं तो दिल्ली के अंदर, तो चलान और फोटो साथ में, कोई भी बैठा होगा उसके साथ आएगी। फिर आप लोगों के साथ अगर गलती से ये चलान कट गया तो वही वाली बात होगी, भैया मेरा मुंह तो निकल गई क्या बताऊं भैया। भैया जैसे कि वो बच्चा बोलता है ये वाला क्लिप, आप बोलोगे भैया हमारी फ्लो में निकल गई, सही बात है सरदार जी। और हम इनको पूरा टाइम टू टाइम डंडा देते रहते हैं कि भैया स्पीड को मेंटेन रखो, हमारे सारथी हैं भाई, क्राइम पार्टनर गोगो। अभी चाबी निकाल के हाथ में दे दूंगा, और ज्यादा बोलेगा। अच्छा कल हिसाब कर लेना आगे। भाभी ठीक है, हिसाब वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे भैया, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा तू अमीर आदमी देखा नहीं, मांगने लग गए साल है। चलो तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लो, बिकॉज बहुत से टाइम हम लाइव होते हैं और यहाँ पे अच्छी 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 बातें करते हैं। तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, कोई Q&A होता है छोटा मोटा यहाँ पे हो जाता है, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो। नहीं जैसे कि आपने देखा इंस्टा के लाइव के बाद हम लोग आ चुके थे घर, और इस टाइम पे गुरुसेवक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और छुप जाते हैं क्योंकि हम कैमरे में लेके आ जाते हैं, और हेलमेट के अंदर हम अपने GoPro का माइक वाइक सब सेट कर रहे हैं। इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और कुछ अच्छा हमने ले लिया है, ये आप देख सकते हैं छोटा सा क्लिप, और ये वाली बाइक हमने ले लिया है और इसके ऊपर हम मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहे हैं। तो आपको कुछ आइडियाज़ देने हो तो इंस्टाग्राम पे आके आप दे सकते हैं, बाइक का नाम है FCS। तो आप मेरे को आइडिया दो किस टाइप का मॉडिफिकेशन मैं करवाऊँ, इंस्टाग्राम पे DM करो अपने सजेशंस। ब्लॉग को करते हैं खत्म, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, पीस। कौन से वाला आप कुछ नया करेंगे तो पीस मिलेगा। बाय।